आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरखा कि लेट ए बी द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x के बराबर दे रखा है। आगे दे रखा है अपने पास कि एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 24 के बराबर है। द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन द रीजन ए। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं, एक पैराबोला बना लेते हैं जो कि अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, 2ax के बराबर। ये अपने पास किस तरह बन गया, तो ये अपने पास पैराबोला है और आपको पैराबोला के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो होनी चाहिए। पैराबोला अपने पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ये आगे अपने पास किस तरह पर, ये आगे अपने पास कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा और पैराबोला अपने पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो चलिए हमारे पास ऑप्शन है सिमेट्रिक बनाने का, तो यहाँ से हम फ्लिप कर लेते हैं। ये आगे अपने पास इसके अराउंड, अभी फ्लिप नहीं करने, रुक जाओ, यहाँ से अपने पास फ्लिप कुछ और करना था, एक सेकंड। तो ये आ गया अपने पास मिरर लेने हैं, तो मिरर अपने पास ये आ गया, कुछ इस तरीके का पैराबोला बनता है बराबर। जब ये अपने पास पैराबोला आ गया तो द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अपने के पास एक लाइन है, कौन सी लाइन, तो यहाँ से अपने के पास x इक्वल टू 24 वाली लाइन है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, कौन सा, तो x इक्वल टू अपने के पास 24 वाली लाइन है। जब अपने पास ये 24 वाली लाइन है, अपने के पास इसके अंदर अपने पास जो मैक्सिमम पैराबोला होगा वो अपने पास वो निकालने हैं। चलिए अपने सॉरी मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो बताने, ये अपने पास मान लेते हैं ये अपने पास एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। जैसे हम इसको कॉपी करके हम यहाँ पर लगा देते हैं, या अगर अपने पास कुछ इस तरीके का बराबर, इसका अपने पास क्या निकालने, एरिया निकालने। ये पूरा अपने पास एक रेक्टेंगल बना, इसका एरिया निकालने। आपको अगर आप गौर से देखें तो ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन क्या है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 2x के बराबर, हाँ ना। ये पॉइंट अपने पास बराबर मान लेते हैं, ये अपने पास एक तो एक्स कोऑर्डिनेट 24 के बराबर, ये बी के बराबर है। ये वाले कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या, ये कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली से आते हैं कि अपने पास वाई कोऑर्डिनेट बी के बराबर हो जाएंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये अपने पास आ जाएंगे बी स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर, हाँ या ना, इतना तो आपको पता होनी चाहिए। यानी अपने के पास लेंथ ऑफ पैराबोला अपने किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, बी के बराबर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी बी के बराबर, क्योंकि सिमेट्री होते हैं। जितना दूर ये अपने पास बी होगा उतना ही दूर अपने पास ये भी क्या होगा, बी होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अपने कैसे बता सकते हैं, तो ये डिस्टेंस अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ से अपने कैसे नेमिंग कर देते हैं ना, नेमिंग से बात एकदम साफ हो जाएंगी, ए बी सी और डी। हमें किसका, इस पैराबोला का एरिया मैक्सिमम करना है, कौन सा एरिया, तो ये वाला एरिया हमें मैक्सिमम, ये पूरा एरिया मैक्सिमम करना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से अपने के पास रेक्टेंगल ए बी सी डी में यहाँ से अपने कैसे बी सी बताइए, तो बी सी अपने कैसे करा देंगे, तो बी सी इक्वल टू आ गया अपने कैसे 2b के बराबर, हाँ है ना। और डी सी अपने कैसे करा हो जाएंगे, तो डी सी इक्वल टू हो जाएंगे अपने कैसे पूरे में से, अपने कैसे क्या 24 में से हम बी स्क्वायर बाई 2 घटा देंगे, 24 और माइनस टेंस बी स्क्वायर बाई 2 के बराबर, क्योंकि ये अपने कैसे बी स्क्वायर बाई 2 है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बी स्क्वायर बाई 2 और ये पूरा 24 है, तो 24 में से बी स्क्वायर बाई 2 घटा देंगे। ये आ गया अपने कैसे रेक्टेंगल का साइड आ गया, तो यहाँ से अपने पास एरिया बताइए, एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 2b और इनटू किस आ जाएंगे 24 और माइनस टेंस बी स्क्वायर और अपॉन 2 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास एरिया बताइए, तो ये किस आ जाएंगे, तो ये आ गया 48b के बराबर और माइनस टेंस अपने पास बी क्यू के बराबर, ये हो जाएंगे 48 और ये आ गया अपने पास बी क्यू के बराबर। यहाँ से मैक्सिमम करना है एरिया, तो ए डैश बताइए, तो ए डैश अपने किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 48 और माइनस टेंस 3b स्क्वायर के बराबर। यहाँ से इसको जीरो करना है क्योंकि एरिया मैक्सिमम करना है, तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 48 के बराबर, यानी b स्क्वायर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 16 के बराबर, यानी b इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस 4 के बराबर, b नेगेटिव हो नहीं सकता इसलिए अपने पास प्लस 4 ही लेंगे बराबर, तो b इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 4 के बराबर। जब b इक्वल टू 4 के बराबर हो गया, हमारे पास पूछ क्या रखा है कि देन द मैक्सिमम एरिया, तो a मैक्स अपने पास कितना आ जाएंगे, तो a मैक्स अपने पास आ जाएंगे 48 और मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर और माइनस टाइम 4 चौका 16 चौका 64 64 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे क्या कीजिए, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो किस तरह आ जाएंगे 48 और माइनस टाइम से अपने कैसे किस तरह आ जाएंगे, तो 4 चार एकम 4 और ये आ जाएंगे अपने पास किस बराबर, तो 4 छः 24 तो 16 चौका 64 आ गया अपने कैसे 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 में से 6 हो जाएगा तो 2 बचेगा और ये आ गया 3 के बराबर, तो ये आ गया अपने कैसे 4 दुनिया 8 4 दिया 12 यानी 128 के बराबर अपने कैसे क्या जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर अपने कैसे आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, तो 128 अपने कैसे इंटीजर टाइप से, तो 128 अपने कैसे आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो गए। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 में सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बनाकर आना छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं अच्छा वीडियो, तब तक लेट्स स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।